बनाएंगे उड़द की दाल की कचौड़ी। मूंग की दाल की भी बनती है, लेकिन हम उड़द की दाल की बनाएंगे। 2 घंटे पहले हम भिगो देंगे। ये दाल हमारी भिग चुकी है, अब इसे पीस लेंगे हम। ये दाल हम सिलबट्टे पर पीसेंगे, जो सिलबट्टे में पीसने से मोटा पीसेगा, मिक्सी में पतला हो जाता है, इसकी स्वाद और टेस्टी आएगा। कचौड़ी बनाने के लिए हमने 1 किलो मैदा ले लिया और 1 कटोरी घी ले ली। घी डालने से ये कचौड़ी बहुत अच्छी बनती है, 15 से 20 दिन तक आप इसे खा सकते हैं। और 1 चम्मच इसमें अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन ऐसे भी पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, ऐसे करके डालने से इसकी स्वाद अच्छा आता है। और 1 चम्मच नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। डाल देंगे हम घी, ऐसे हाथों से हथेलियों से इसे मिक्स करते रहेंगे, अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। ऐसे मिक्स कर देंगे, देखिए कैसे ये बने। ये देखिए ये हमारा आटा कैसा हो गया मैदा। ये ऐसे आप करेंगे तो ये अपने आप ऐसे बन जाएगा। तो घी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गया है, अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे लगा लेंगे। ज़्यादा सख्त ये नहीं, ज़्यादा नरम भी नहीं, ठीक सा लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसे ऐसे अच्छी तरह लग जाएगा ये। ढक्के से 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। अब चलते हैं अपना मसाला बना लेते हैं कचौड़ी का। बनाने के लिए हमने लिया 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया, जीरा पाउडर 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, 2-3 हरी मिर्च और सौंफ लिया 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच नमक लिए, धनिया लिए और 1/2 कटोरी बेसन लिए। और ये हमारी उड़द दाल है। हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। ये हमने 2 चम्मच तेल डाल दिया। इसमें डाल देंगे हम सौंफ हमारी चटक जाएगी। देखिए सूप हमारी चटक गई, इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्च। भून जाएगा, तेल छोड़ देगा। ये हमारा बेसन भून गया, इसमें थोड़ा और तेल डाल देंगे 1 चम्मच। अब इसमें डाल देंगे ये अपने सारे मसाले, इसमें सब भून लेंगे। ये नमक डाल देंगे, मसाला तैयार हो गया, अलग अलग हो गया, थोड़ा अच्छा भून गया। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया, डाल के थोड़ा और ढंग से भून लेंगे। रिसेप्टी भी चलेगा, ये खराब होने का डर नहीं रहता है। और इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा हो जाएगा तब कचौड़ी बनाएंगे। गैस को भी कर देंगे बंद, मिला लेंगे ढंग से। ये
ये हो गया हमारा, ये हमारा मसाला तैयार हो गया। ऐसे हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। पूरी कितनी बड़ी बड़ी लोई बना लेंगे। हथेली की मदद से इसे गोल बना लेंगे। ऐसे ही हम सारी लोई बना लेंगे। देखिए हमने सारी लोई ऐसे बना ली है। अब इसे ये देखिए अंगूठे के और उंगलियों की मदद से इसको ऐसे कर देंगे कटोरी की तरह। ये जो हमारा दाल है इसको ऐसे करके, इसको दाल को ऐसे करके, ये देखिए इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे सारा हम ऐसे भर लेंगे। ये इतनी दाल लेंगे और इसे अंगूठे की मदद से अंदर करके ऐसे, इसको ऐसे कर करके सारे को जॉइंट करके ऐसे करके इसको ऐसे कर देंगे। देखिए हमने सारी कचौड़ी भर ली है ऐसे। अब इसको तेल की मदद से इसे बेल लेंगे हम, ज़्यादा चौड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा बेलन चलाना है। ये देखिए बस ऐसे ऐसे ही हम सारी कचौड़ियाँ ऐसी सारी बेल लेंगे। हमने सारी कचौड़ियाँ बेल ली है। तेल बिल्कुल हम हमने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। गैस बिल्कुल हम धीमी आंच पर रखेंगे, नहीं तो कचौड़ियाँ वैसी हो जाएंगी और जित फूल जाएंगी, बबल सी पड़ जाएंगी, अंदर से कच्ची कच्ची सी लगेंगी। और जितना गैस गैस जितना धीमा रहेगा उतनी कचौड़ियाँ अच्छी बनेंगी, करारी बनेंगी। ऐसे पलट लेंगे। बबल से नहीं पड़ेंगे, तेल गैस पर उनको बबल पड़ जाएंगे। कैसे खुल रही है, कम आँच पर जितनी बनेंगी उतनी अच्छी करारी होंगी, उतनी अच्छी लगेगी। सारी कचौड़ी फूल गई हमारी। बोलो ये देखिए हमारी कचौड़ी कैसी कैसी बिल्कुल बाजार जैसी दिख रही है। देखिए हमारे कचौड़ी बिल्कुल बजा दे, खस्ता कैसी देखिए, देखिए इसकी आवाज़ है। कभी भी इसे बना के आप खा सकते हैं, कभी इसे 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं। ऐसे हम सारी कचौड़ी आपको सेक लेंगे, कम आँच पे सेकेंगे, जब भी कचौड़ी हमारी अच्छी बनेगी और खस्ता बनेगी। ऐसे ही हम सारी कचौड़ियाँ सेक लेंगे। ज़्यादा कचौड़ियाँ डालिए, फिर भी सारी कचौड़ियाँ फूली हैं तो देखिए बस। तो इसकी यही खास बात है कि इसे धीमी आँच पर तलनी है। एक भी कोई कचौड़ी नहीं जो मेरी बिना फूली हुई है। ये देखिए हमारी कचौड़ी, सारी कचौड़ी एकदम तैयार हो गई है। इसे निकाल लीजिए, सारी कचौड़ी को हम निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी सब्जी की तरफ। बनाने के लिए हमने लिए 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी, धनिया के पत्ते,
और दो हरी मिर्च, दो टमाटर, एक बड़ा प्याज, आलू उबाल के हमने रख लिया था, उसे छोटे छोटे फोड़ लिए, छोटे छोटे टुकड़े में। गैस जला दी, उसको रख रख लिया हमने कुकर। इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा हम इधर रख जाए, जीरा दलक गया है, इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा हींग, और हम अपनी प्याज डाल देंगे। प्याज इसका कलर ना हो जाएगा, भून गया। अब इसे हम डाल देंगे सारे मसाले। इसे भी 1 मिनट भूनेंगे, इसमें डाल देंगे 1 कटोरी पानी। इसे 5 मिनट तक उबलने देंगे। इसमें 1 चम्मच नमक डाल दूंगा। मसाले में तेल करके छोड़ दिया है, अब इसमें हम डाल देंगे अपना आलू। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, इसमें पानी 1-2 मिनट से भूनेंगे, फिर उसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। मसालों में मिल गया, अब इसे हम डाल देंगे 2-3 मिनट पानी। कचौड़ी के साथ पतली सब्जी अच्छी लगती है। अब इसे 5 मिनट से उबालेंगे, उसके बाद सब्जी तैयार हो जाएगी। अब इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। अब हम अपनी सब्जी देख लेते हैं। ये देखिए सब्जी हो गई है। अब इसमें डाल देंगे धनिया, खुशबू अच्छी आती है। इसमें हम डाल दिए धनिया, धनिया से खुशबू अच्छी आती है, कलर भी अच्छा दिखता है। अब इसे हम पलट लेंगे। ये हमारी सब्जी अब तैयार हो गई है। ये हमारी कचौड़ी बनके बिल्कुल तैयार है, आप देखिए। ये देखिए देखिए ये देखिए, अंदर तक साइड तक हमारी कचौड़ी पूरी भरी हुई है, और कितनी खस्ता है। अब चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। हमारी कचौड़ी और सब्जी तैयार है खाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।